दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय श्री विजयलक्ष्मी सिल्क्स के बी रोड, जॉर्ज इंटरनेशनल फिटनेस स्टूडियो, आरके कंस्ट्रक्शंस, सोहेल ज़ेरॉक्स एंड हेरिटेज सिरेमिक सैनिटेशन। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल मास मीडिया बिदर। अभी इस वक्त मैं यहाँ बिदर के स्टेडियम में हूँ। पहले तो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने आज से तकरीबन कुछ 2 महीने पहले मे भी शायद 16 अगस्त को हमने एक रिपोर्ट बनाई थी स्टेडियम के ऊपर ही कि हालत कितनी खस्ता हाली में फ़िलहाल स्टेडियम बना हुआ है। हर तरफ झाड़ियां हैं। मैं अभी आपको हालात बताऊंगा क्या क्या है। किसी भी किस्म की सफाई नहीं हुई है जब से लॉकडाउन खुला है। चंद 4-5 बच्चे हैं वो भी जो वॉलीबॉल खेल रहे हैं एक किनारे पर। एक बहुत ही बड़ा विषय है क्योंकि जिस्मानी सेहत का खेल से एक बहुत बड़ा ताल्लुक़ है, जिसके टूट जाने से बच्चों के जहन पर और साथ ही साथ जिस्म की जिस्मानी सेहत पर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। तो प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही है या फिर बिदर में जहाँ पर कई सारे लोग कई सारी मिनिस्ट्रीज़ जो बड़ी बड़ी हैं, स्पोर्ट मिनिस्टर भी जो फ़िलहाल हमारे MLA हैं वो रह चुके हैं, फिर भी इतनी बुरी हालत में एक इकलौता स्टेडियम बना हुआ है, एक बहुत ही बुरी चीज़ है। प्रशासन को चाहिए कि वो जल्द अज़ जल्द इस पर कुछ कड़े फैसले लें और साफ़ करें स्टेडियम को, क्योंकि आप देखें तो हर तरफ आपको घास नज़र आएगी। बस जो एक पगडंडी है उसी में जहाँ पर लोग वॉकिंग के लिए उसे इस्तेमाल कर रहे हैं बस उतना ही हिस्सा आपको बिना घास के नज़र आएगा, बाकी सब जगह घास भरी हुई है। घास तो फिर भी ठीक है मगर उसके बीच में जो झाड़ियाँ उग आई हैं और जो किनारे पर भी झाड़ियाँ उग आई हैं उसकी सफाई करना बेहद ज़रूरी है। तो अभी आप स्टेडियम की हालत देखिए। ये जहाँ बैठा जाता है वहाँ तो अब लोग ज़्यादातर ड्रिंकिंग या अगर उन्हें पीना हो तो आ जाते हैं यहाँ पर, बैठ के मज़े लेते हैं और चले जाते हैं। एक इकलौता स्टेडियम है सारे बिदर में, उसकी भी हालत ऐसी है। अब किसी किस्म की उम्मीद तो नहीं है कि प्रशासन कुछ फ़ैसला लेगा, मगर लेना तो चाहिए क्योंकि 2 महीने हो गए हैं अभी तक किसी किस्म का भी बदलाव स्टेडियम में नहीं है। और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कोई सवाल नहीं कर रहा है प्रशासन से कि इसकी ऐसी हालत क्यों है और कब सुधरेगी।